तभी कंस्ट्रक्शन कैरी रोड बातुरसी ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी काम की प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। ना सिर्फ ट्रक, इटैची या पिकअप बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कई समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहक को दी है जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शन पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया, वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आग बन करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बॉक्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शन कैरी रोड बातुरसी ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। जय हिंद, मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम जो है डॉलीगंज के डिवाइन कॉलोनी नाम के इस गली में खड़े हैं एंड एक नजारा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। देखिए, जैसे ही आप डॉलीगंज जंक्शन से अंदर की तरफ आते हो जहां पे यूनिक होटल रेस्टोरेंट है, थोड़ी आगे पे मस्जिद और मस्जिद के बगल से जो घुमाई है उसमें आप अरुण हॉस्पिटल की तरफ जाते हो तो उस घुमाई के बाद जो पहला लेफ्ट आना है वो डिवाइन कॉलोनी है और आप इसका फर्स्ट क्रॉस रोड का जो नजारा है आप देख सकते हो। बड़े जोरों से कहा जाता है कि हमारा पोर्ट ब्लेयर जो है स्मार्ट सिटी की ओर जा रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, या कई लोग का तो कहना है कि स्मार्ट सिटी बन चुका है। अगर स्मार्ट सिटी की गलियों का यह हालत है तो फिर ऐसे स्मार्ट सिटी हमें चाहिए या नहीं चाहिए, इसका निर्णय हम लोगों को ही करना है। अगर हम यहाँ के लोगों से बात करें और उनसे जाने तो उन्होंने हमसे कहा है कि ये आज का नहीं, ये पिछले एक दशक से यानी 10 साल से ज्यादा हो गया है जब इस रास्ते पर कभी भी इस रास्ते की मरम्मत नहीं हुई है, ना ही यहाँ पे रोड बनाया गया है और लोग जो है बड़े ही परेशानी के साथ यहाँ पे अपना जीवन बसर करते हैं। आप इमेजिन करिए किस तरीके से वे जो है गाड़ियों को यहाँ से पार करते होंगे और अगर लोगों को पैदल चलकर आना जाना हो तो फिर उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही इलेक्शन करीब आता है तो जो भी हमारे सांसद के उम्मीदवार होते हैं या फिर काउंसिल इलेक्शन होता है, जो वार्ड के मेंबर्स होते हैं, वो तो बड़े जोरों से यहाँ पर आते हैं हाथ जोड़कर। लोग कहते हैं, भीख मांगते हैं कि उनको वोट दे और वे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आप लोगों की हर समस्या का समाधान निकालेंगे और इलेक्शन होते ही ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सिंह। ढूंढने पर भी वो लोग नहीं मिलते हैं और मिलने पर भी उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, बातें सुन लेने के बाद में भी कभी उसका परिणाम नहीं निकलता है। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है डिवाइन कॉलोनी का ये रास्ता, जो लोगों का कहना है कि पिछले 10 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं कि इस रास्ते को कभी आज तक ठीक नहीं किया गया। आप खुद देखिए, अभी वहां से एक महिला अपने बच्चे को लेकर आ रही है, अब वो उस रास्ते को किस तरीके से पार करेगी। इस तरीके का रास्ता हमें चाहिए क्या? इसलिए हम अपने जनता प्रतिनिधि को चुनते हैं कि वे हमें ऐसी समस्याएं दें? ये बहुत मामूली सी समस्या है, इसका अगर समाधान नहीं कर सकते हैं तो फिर लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं का जनता प्रतिनिधि कैसे समाधान निकालेंगे। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें कॉल किया था, हमें इस बारे में बताया था, हम उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि वे इस पर क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद सर। नमस्कार अमन जी, मेरा नाम विवेक शाह है। पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। आपको YouTube से आपको सिल्वर बटन से अवॉर्डेड किया गया है। एक्चुअली हम जब से यहाँ पे आए हैं ये कॉलोनी में, तब से रास्ते का यही समस्या है कि बारिश होने से इधर पानी जम जाता है, आने जाने में दिक्कत होती है हमें। और जैसे मेरा ये जमीन है, अभी मेरे जमीन के सामने ऐसा हालत है, तो मैं बहुत बार काउंसिलर को अप्रोच किया हूँ बट काउंसिलर से मुझे ये नहीं मिला है, कुछ हेल्प मिला है नहीं। तो वो बोल रहेगी हम करवा देंगे, अभी बोल रहे कि टेंडर हो गया है बट कॉन्ट्रैक्टर का कोई पता नहीं है। अच्छा, इसको मिला है क्या है? ये एक बहुत आम समस्या है हमारे द्वीपों में। कई जगह पर जब हम ऐसी मसलों के जब जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई जो काम रुका पड़ा हुआ है, जब लोग उस पर शिकायत करते हैं तो काउंसलर या जो भी जिम्मेदार विभाग के अफसर होते हैं वे कहते हैं कि टेंडर हो चुका है मगर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, टेंडर हो चुका है मगर जिसने टेंडर लिया है उसका पता नहीं है।
आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके लिए कोई कड़ा कानून नहीं है कि अगर टेंडर लिया है तो उनको एक टाइम पीरियड दिया जाए कि इतने दिन के अंदर में इस काम को कंप्लीट करना है और इतने सालों तक इसको मेंटेन करना है? इसकी बहुत बड़ी कमी है। हम चाहेंगे कि हमारी प्रशासन जो है इस पर जरूर संज्ञान ले। अभी कॉन्ट्रेक्टर का कोई पता नहीं है। अभी जैसा बारिश होने से हमें यहाँ से मतलब वहां से निकल के मुझे यहाँ आने में दिक्कत होती है। अभी वहां मुझे गेट खोलने में दिक्कत होती है, जैसा पानी जमा रहता है वो पानी के ऊपर से मुझे जाना पड़ता है। अभी ये सब मतलब इसको अभी मैं किसके पास जाऊँ? मैं बहुत बार काउंसलर के पास गया, इसलिए मैं अभी फेड अप हो गया हूँ, इसलिए मैं आपको कॉल किया। आपने बोर्डला म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन या सेक्रेटरी को अप्रोच किया? नहीं, वो तो मैं नहीं किया, मैं काउंसलर को बोला। मैं आपका काउंसलर से बात करूंगा, मैं अपने काउंसलर को बोला हूँ, बट काउंसलर से कोई हेल्प नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँ? हाँ, कहीं काउंसलर तो चेयरपर्सन है और यहाँ के काउंसलर चेयरपर्सन नहीं, यहाँ के काउंसलर आपके धर्मेंद्र प्रधान जी है और चेयरपर्सन जो है सुदीप राय शर्मा जी। अच्छा, सुदीप राय शर्मा है अभी तो उनको भी बोला गया है, फंडिंग हो गई है, टेंडर हो गया है, पिछले 4 साल से यही चल रहा है। लेकिन ये तो अभी बारिश नहीं हो रही है तब की पोजीशन है। जिस समय बारिश होगा पूरा आंगन से लेके रास्ता वहां तक भर के आता है, बच्चे सुबह स्कूल जाने के लिए शौक भीगता है जैसे तैर के जाना हो हमें। बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोगों ने जब हमें बताया यही बातें बताई कि अभी फिलहाल उतनी बारिश नहीं हो रही है तब आप ये हालात देख सकते हो। आज तो दिन भर देखा जाए तो धूप भी निकली थी, मौसम लगभग ठीक ही था, उतनी बारिश नहीं थी, तब ये हाल है, इतना पानी जमा हुआ है। इन लोगों का कहना है कि जब लगातार वर्षा होती है तो यकीन मानिए ये जो पानी है, गंदा पानी जो है, इनके घरों के अंदर तक घुस जाता है। मगर लगातार बरसों दर बरसों शिकायत करने के बावजूद भी जो है इसका समाधान अभी तक नहीं निकला है, तो लोगों का गुस्सा होना, लोगों का शिकायत करना लाजमी हो जाता है। अभी पूरा कॉलोनी में जैसा देखिएगा, ये मेरा हमारा जो है पहला गली है, उसके बाद दूसरा और तीसरा गली है, दूसरा तीसरा गली में कोई इशू नहीं है क्योंकि वहां का रास्ता बन गया है। यही गली को लेकर इशू है, पता नहीं क्यों, मतलब यही रास्ता नहीं बन रहा है। अभी मैं पिछला यही साल मतलब इलेक्शन के बाद मैं बात किया था काउंसलर से, तो वो बोले कि टेंडर हो गया है, कॉन्ट्रेक्टर काम शुरू करेंगे, लेकिन अभी क्वारी बंद है, इसका वजह से वो कॉन्ट्रेक्टर शुरू नहीं कर पाए। क्वारी खुल जाएगी तो कॉन्ट्रेक्टर काम शुरू कर देगा। क्वारी खुल के जमाना हो गया है, अभी तक कोई काम का कोई इशू नहीं है। हम लोग के बच्चे जाते हैं स्कूल जाते हैं, बारिश आ जाती है तो बिल्कुल मतलब इन लोगों को उधर तक पहुंचाना रोड पर हमारी बस आती है स्कूल की, बच्चे जाते हैं जूते भीग जाते हैं, इधर ही गीला हो जाते हैं, हम लोग उठा कर ले जाते हैं या फिर गाड़ी से ड्रॉप करते हैं वहां तक। बारिश होगा तो पूरा नदी की तरह बहेगा, पूरा ये घर आंगन सारा भर के ही पड़ा रहेगा, जैसे बोट लगा दिया जाए तभी जा सके। एक लोग जो यहाँ पर रहते हैं, जितने घर आपको अगल बगल दिख रहे हैं, यकीन मानिए हर किसी का इस रास्ते को लेकर यही शिकायतें हैं, इससे बड़ी बड़ी शिकायतें हैं कि इस तरह पानी जमा होने से उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हर कोई कैमरा के सामने आकर बोलने में हिचकिचाता है, मगर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जब हमने उनसे बात की तो उन लोगों का यही कहना है कि इसका समाधान उन्हें जल्द से जल्द चाहिए। एक्चुअली 14-15 साल से ये हाल है पानी का, और ये तो बारिश के पानी से जमा हो रही है, इसके साथ साथ जो फ्रंट घर है उनका जो वेस्ट है, इवन बाथरूम और किचन दोनों का पानी भी फुटपाथ में ही आकर जमा हो रहा है। अच्छा। और इसका ड्रेन का कोई सुविधा नहीं, हम लोगों ने पर्सनल ड्रेन बनवाया था उसमें से छोड़ो, उन लोगों को कहा गया फिर भी वो नहीं हो रहा है। अच्छा। और ये ऐसे ही है, जब से काउंसलर को बोले हैं बनाने के लिए, हाँ बनेगा 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 सोचकर हम लोग कंप्लेंट देने जाते हैं, रुक जाते हैं। अच्छा। कि अरे नहीं अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। इसीलिए मतलब आप जो कह रहे पहला घर, उसका क्या इश्यू है? वो उसका जो है इवन बाथरूम और टॉयलेट का पानी और किचन का पानी ये सब ऐसी ही पानी में मिला हुआ है, अपनी कोई ड्रेन बनाई नहीं है ना। हाँ। तो लोग अपना कोई ड्रेन है ही, इन घरों का बाथरूम का पानी कहाँ जाता है? अपना खर्चा करके पर्सनल ड्रेन बनवाया हुआ है पीछे मस्जिद के पीछे वालों से। हाँ। उसमें भी यहाँ से लेके मस्जिद तक और वो मेन रोड तक का खर्चा सिर्फ पर्सनल ही खर्चा करके बनाया गया है। और जब हम और उधर नीचे बस इतना ही दूर के नहीं बना, लास्ट का नहीं है। हम यहाँ के जो भी वार्ड काउंसलर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हम उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया इस बात की भी संज्ञान ले कि ये जो डिवाइन कॉलोनी का जो पहला घर है, इनका जो बाथरूम का जो वेस्ट पानी है वो सीधे जो है सड़क पर आता है, और फिर वो कैसा गंध पैदा करता होगा, कितनी बीमारियां पैदा करती होगी, इसका आप अनुमान लगा सकते हो। तो कृपया करके जितनी जल्दी हो सके उनको एक ड्रेनेज सिस्टम बना के दीजिए, ताकि यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, बच्चे बूढ़े जवान,
इनको जो है उससे होने वाली जो भी बीमारियां हैं या जो दिक्कतें हैं उससे छुटकारा मिले। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हर गांव में सड़क पहुंचना चाहिए, चाहे वो कितनी दूर क्यों ना हो। फिर तो ये स्मार्ट सिटी पोर्ट ब्लेयर शहर का म्युनिसिपल एरिया है, तो क्या स्मार्ट सिटी की गलियों का ये हाल है? ये हम कतई इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो प्रशासन है इस पर गंभीरता से सोच विचार करेगी और जितनी जल्दी हो सके डिवाइन कॉलोनी के इस रास्ते को ठीक करेगी, ताकि यहाँ पर रहने वाले जितने भी बूढ़े बच्चे या निवासी है उनको इन तकलीफों से छुटकारा मिले। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामिन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।